प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और इसी के साथ पोषक तत्व इसमें अधिक होते हैं, कैल्शियम, फाइबर, आयरन इन मोटे अनाज में होने से हृदय रोग नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है, और लोग भी कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी अवसर है, क्योंकि हमारे आदिवासी जिलों में ये मोटे अनाज की फसलें हमारे आदिवासी भाई किसान लेते हैं, लेकिन हम इसको अब पूरे प्रदेश के अंदर फैलाएंगे। और सरकारी जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें मोटे अनाज का भोजन परोसा जाएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन है, उसमें भी सप्ताह में एक दिन हमारे बच्चों को ये पोषक अनाज खिलाएंगे, जिससे वो स्वस्थ रहें और मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो और इसकी बिक्री भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े, जिससे हमारे किसान की आय दोगुना चार गुना, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय बढ़ाने का, उसमें हम सफल हों। उसकी आज स्वीकृति दी गई है। 23 और 24 के लिए हमने 23 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें बजट में प्रावधान किया है, और इसी के साथ इसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। 80% अनुदान पर हम किसानों को उन्नत बीज देंगे, जिससे इसकी फसल और ज्यादा से ज्यादा किसान लगाएं, ताकि उत्पादन बढ़े और हम लोगों को स्वस्थ रखने में सफल हों और किसान की आय भी उससे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से कोरोना के बाद पूरी दुनिया में पोषक तत्व जिन अनाजों में होता है उसकी मांग बढ़ी है, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, और इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मिलेट अनाज, जो मोटा अनाज है, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा, ये हम दुनिया में निर्यात कर सकते हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023-24 को मिलेट वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष मनाया जाए वो प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना, और आज 2023 पूरे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष माना गया है। इसी तारतम्य में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में हमने एक प्रस्ताव रखा कृषि विभाग ने, मिलेट अनाज की फसल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, मोटे अनाज के अच्छे उन्नत किस्म के जो हमारे विश्वविद्यालयों ने, कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किए हैं, उन बीजों को किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करना, किसानों को प्रशिक्षण देना और अच्छी क्वालिटी के बीज। किसान भाइयों, आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पिछले 3 वर्षों से ग्रीष्मकालीन तीसरी फसल मूंग की तवा डैम का पानी, बाकी नहरों का पानी छुड़वाकर किसान ट्यूबवेल से, नदी नालों से सिंचाई करके, और मूंग की फसल बो रहा है, लेकिन बाजार में रेट कम है और समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा है, और इसलिए समर्थन मूल्य पे हमने पिछले बार 7275 में खरीदा, जबकि बाजार में 4000 से 5000 बिक रहा था, तो प्रति किसान 2000 से लेकर 3000 रुपए क्विंटल किसान को ज्यादा रेट दिलाने में हम समर्थन मूल्य पे खरीदी करके सफल हुए। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत सरकार जितना उत्पादन होता है चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द, इसका 25% समर्थन मूल्य पर खरीदती है, ताकि किसान को बाजार में रेट अच्छे मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने 100% मूंग खरीदा, और यह सिर्फ संभव हुआ मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है, और किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान को खेती का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने मूंग की खरीदी की है समर्थन मूल्य पर, और पूरा मूंग खरीदा है, और इसलिए जो बाद में हमने जो बाजार में बेचा उसे जो हानि हुई है
उसकी पूर्ति भी सरकार किसान के हित में कर रही है, जिससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सका। 23-24 में भी जो अभी आप मूंग की बोनी कर रहे हैं, कुछ किसान कर चुके हैं, उन सबके लिए खुशखबरी है कि आपका समर्थन मूल्य पे हम मूंग खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज बैठक में निर्णय लिया गया, भारत सरकार खरीदेगी 25%, बाकी प्रदेश सरकार खरीदेगी और अपने बजट से खरीदेगी। और इसलिए किसान भाइयों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से, प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और प्रदेश सरकार ने खरीदी के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार और किसान भाइयों को बधाई।